हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। 25 जून 2019 की प्रीलिम्स अपडेटर सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो जैसा आपने बोला था कि जो हैंड रिटन नोट्स हैं उसकी फॉर्म में डिस्कशन है वो कंटिन्यू की जाए, तो आज से वो फॉर्मेट है, वो स्टार्ट है, वो कर दिया गया है। अब देखो, कई बार ये हो सकता है कि जैसे मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, तो उस कंडीशन में ऐसा नहीं है कि मेरे पास नोट्स वगैरह अवेलेबल हो, तो उस दिन है वो PPT की फॉर्म में हम डिस्कशन है वो कर पाएंगे। बाकी रेयर ही होगा ऐसा कि हम मतलब कि PPT की फॉर्म में डिस्कस करेंगे। नॉर्मली हम मैक्सिमम है वो हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में डिस्कस है वो करने वाले हैं। ये जैसा आपने कहा था उसी के मुताबिक स्टार्ट है, वो किया गया है। पहला जो आर्टिकल है वो है कॉमन सर्विस सेंटर को लेके। कंटेक्स्ट कुछ खास नहीं है, देखो न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इंपॉर्टेंट है कि भाई कॉमन सर्विस सेंटर है वो क्या होता है। देखो, कॉमन सर्विस सेंटर है ना, वो डिजिटल इंडिया जो प्रोग्राम चलाया था गवर्नमेंट ने, उसी का एक अहम पार्ट है। क्या है सर? तो नाम पे एक बार आप फोकस कीजिए, कॉमन सर्विस सेंटर, यानी कि काफ़ी सारी सर्विस हैं वो एक ही सेंटर पे प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। तो सेम इसी तरीके का कॉन्सेप्ट है वो लग गया है। होता क्या है इसमें? इसमें ये होता है कि जो रूरल एरिया में, देखो आपको पता है कि ऐसा तो है नहीं कि हर सेक्टर के लिए गवर्नमेंट कोई से कोई भी स्कीम लेके आ रही हो, तो उस स्कीम के लिए अलग अलग है उस सेंटर खोले। जैसे मान लो कि गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर को स्कीम लेके आई तो उसके लिए एक सेंटर खोले, इसके साथ ही गवर्नमेंट कोई फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए स्कीम लेके आई तो उसके लिए अलग से सेंटर खोल लें। तो मतलब क्या है कि गवर्नमेंट के जो डिफरेंट टाइप की जो वेराइटी जैसे सर्विस आ गई उन सबको लेके एक ही सेंटर खोल जाता है। उस सेंटर पर ही आप आधार कार्ड बनवा सकते हो, उस सेंटर पर ही आप सोशल वेलफेयर की स्कीम का लाभ उठा सकते हो, वहीं पे आप स्किल है वो प्राप्त कर सकते हो, वहीं पे आप हेल्थ केयर है वो प्राप्त कर सकते हो, वहीं पे आप फाइनेंशियल इंक्लूजन की सर्विस प्राप्त कर सकते हो, वहीं पे आप एजुकेशन है या और भी तरीके गवर्नमेंट की जो स्कीम है उनका बेनिफिट उठा सकते हो। मतलब एक ही सेंटर होगा गाँव में, उसी पर आपको सभी तरह की फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करवाई जाएंगी। ये है कॉमन सर्विस सेंटर का कॉन्सेप्ट। इसी के साथ क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने 2015 में इसमें थोड़ा सा मतलब मॉडिफिकेशन लेके आई थी। जिस तरीके से हमारे फ़ोन में हम देखते हैं ना कि एंड्रॉयड 9 है, एंड्रॉयड 10 आ गया, थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन है, उसी तरीके से कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि CSC है, इनका एक अपग्रेडेड वर्जन आया था जिसका नाम था CSC 2.0, कॉमन सर्विस सेंटर 2.0 स्कीम। इस स्कीम का मोटो ये रखा गया था कि हमारे देश की जो हर एक ग्राम पंचायत है ना, उसमें एटलीस्ट कम से कम एक कॉमन सर्विस सेंटर है वो इस्टेब्लिश किया जाए, ताकि वहाँ पे जो भी लोग हैं उनको स्किल दी जा सके, चाहे वो डिजिटल इंडिया के तहत हो या फिर और भी कई काफ़ी स्कीम्स वगैरह हैं, उन सबका बेनिफिट उनको मिल सके। देखो, कई बार होता क्या है कि रूरल एरिया में लोगों को पता नहीं होता है, चाहे हम बात करें एग्रीकल्चर की, उनको ये नहीं पता कि भाई कौन सी फसल कब बोनी है, या फिर हम बात करें कि कौन सी फसल में कौन सी लेटेस्ट बीमारी है तो उसके लिए हमें क्या रोकथाम लेके आनी है। तो ये सारी तरह की सर्विसेज हैं वो कॉमन सर्विस सेंटर पर प्रोवाइड है वो करवाई जाएंगी। तो CSC 2.0 स्कीम में हमने देखा कि भाई हर एक ग्राम पंचायत में कम से कम एक कॉमन सर्विस सेंटर वो ओपन किया जाए। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है इंडियन रोजवुड, यानी इंडियन रोजवुड क्या है? शीशम। देखो, जो शीशम की लकड़ी के बारे में आपने सुना होगा, जिसे नॉर्मली काफ़ी जगह जैसे कि राजस्थान में उसको सरसों की लकड़ी भी बोला जाता है, या फिर इंडियन रोजवुड, या फिर शीशम, आप जानते हो कि मेनली इसका जो यूज़ है वो फर्नीचर में यूज़ है वो किया जाता है। इसके बारे में कुछ फैक्ट देखते हैं। सबसे पहली बात क्या है, यह डेसीडियस फॉरेस्ट की एक प्रजाति है। मतलब इसके जब वर्षा आती है तो उससे पहले इसके पत्ते गिर जाते हैं, फिर बारिश में इसके नए पत्ते स्टार्ट होते हैं, मतलब पर्णपाती तरह की फॉरेस्ट है, ठीक है। इसी के साथ ये आपको फैक्ट ध्यान में रखना है, UPSC इसके बारे में पूछ सकती है। इसका यूज़ क्या है? देखो, इकोनॉमिकली इसकी इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, चाहे हम बात करें फॉरेस्ट्री सेक्टर में, या फिर एग्रो फॉरेस्ट्री में, या फिर हॉर्टिकल्चर में, क्योंकि इसका वाइडली जो यूज़ है वो फर्नीचर हुआ, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट में किया जाता है। अब देखो, बात यह है कि इसमें क्या है कि अभी काफ़ी एक जो इश्यू होता है मेनली फंगस की वजह से, क्या होता है कि शीशम की लकड़ी है ना वो सूख जाती है। ये मान लो कि शीशम की लकड़ी है या जो इंडियन रोजवुड है इसके अंदर फंगस का इन्फेक्शन हो जाता है, तो ये क्या होता है, पेड़ सूख जाता है, यानी कि पेड़ है वो डेड हो जाता है। अब देखो, न्यूज़ में क्या है वो हम देख लेते हैं। न्यूज़ में इसलिए है कि जो साइट्स के बारे में देखो, हमने पहले बहुत बार डिस्कस किया, अगर वापस हम देख लेते हैं। साइट्स क्या हैं? कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज, यह एक तरीके की कन्वेंशन है जो क्या करती है कि कोई भी स्पीसीज जिसका मतलब खतरा हो, अगर वो ट्रेड की जाती है तो ख़त्म हो सकती है या फिर उसको नुकसान हो सकता है, तो उन स्पीसीज को लेके रेगुलेट है वो करती है। तो जो शीशम की लकड़ी या फिर हम बात करें इंडियन रोजवुड है, इसको साइट्स की जो अपेंडिक्स है ना इसमें 2 में डाला गया है, जिस तरीके से वाइल्ड लाइफ जो प्रोटेक्शन एक्ट में 5 शेड्यूल है ना, उसी तरीके से अपेंडिक्स हैं इसी में, साइट्स में, तो उसके सेकंड अपेंडिक्स में इसको डाला गया है। सेकंड अपेंडिक्स का मतलब क्या है? देखो, सेकंड अपेंडिक्स का मतलब ये है कि भाई शीशम की लकड़ी है, इसके ट्रेड को मॉनिटर किया जाएगा, आप ऐसे मतलब बिना परमिशन के इसका ट्रेड है वो नहीं कर सकते।
अब दिक्कत क्या थी, देखो इंडिया को दिक्कत ये थी कि भाई साहब शीशम की लकड़ी इंडिया में काफ़ी बड़े तौर पे प्रोड्यूस की जाती है, काफ़ी फार्मर्स हैं वो इसकी फसल भी एक तरीके से करते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर ये साइट्स की अपेंडिक्स टू में रहेगी तो इसका ट्रेड है वो इंटरनेशनल लेवल पे ढंग से नहीं किया जा सकता, काफ़ी सारी रेगुलेशन है वो लग जाती हैं। तो इसीलिए क्या हुआ, रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने प्रपोजल डाला साइट्स के लिए कि भाई साहब आप है ना इसको अपेंडिक्स टू से हटा दीजिए ताकि हम इसका ट्रेड है वो आसानी से कर सकें, क्योंकि हमारे देश में यह ख़त्म होने वाली कैटेगरी में नहीं है, तो इसलिए आप ये स्टेप है वो उठाइए। तो ये है साइट्स का अपेंडिक्स टू और क्या है सीसम ट्री का इशू, वो हमने कंप्लीट कवर किया। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है नेशनल फ्रेट इंडेक्स। फ्रेट का मतलब होता है एक तरीके से जो सामान की माल, एक तरीके से मालगाड़ी के साथ जो बोले सॉरी माल की आवाजाही करना, यानी कि फ्रेट में नहीं वस्तुओं का आदान प्रदान इधर से उधर मालगाड़ी की फॉर्म एक तरीके से हम बोल सकते हैं। अगर ऐसी बात नहीं केवल मालगाड़ी में, ट्रक के द्वारा भी हो सकता है, इवन ऐसी बात नहीं है सी रूट भी हो सकता है, काफ़ी सारे रूट हो सकते हैं। फ्रेट का मतलब सामान की इधर से उधर आवाजाही होता है। नेशनल जो फ्रेट इंडेक्स है यह जारी किया गया है गुड़गांव में बेस्ड एक लॉजिस्टिक स्टार्टअप है टेक्नोलॉजी बेस्ड, जिसका नाम है रिविगो। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि गुड़गांव बेस्ड एक टेक्नोलॉजिकल लॉजिस्टिक स्टार्टअप जिसका नाम है रिविगो, उसके द्वारा नेशनल फ्रेट इंडेक्स जारी किया गया है। अब है क्या इस इंडेक्स में, ये देखो जो इंडेक्स है ना वो ये प्रोवाइड करवाता है कि भाई जो फ्रेट रेट यानी कि सामान इधर से उधर डिलीवर किया जाता है तो उसकी रेट क्या है ट्रांसपोर्ट व्हीकल के बेसिस पे। जैसे कि आज भाई ये मान लो कि 1 टन की रेट है वो है 8 रुपये, कल उसकी रेट है 8.5 रुपये, परसों उसकी रेट है 9 रुपये, या फिर रेट हो सकते हैं 7.5 भी है। तो ये एक तरीके से लाइव इन्फॉर्मेशन हमें शो करता है कि भाई हमारे देश में जो फ्रेट सामान की इधर से उधर ट्रांसपोर्ट की आवाजाही है उसकी रेट है वो क्या है। अब देखो जो नेशनल फ्रेट इंडेक्स है ना इसके बेसिकली तीन मतलब दो सॉरी दो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हैं। एक तो यह है कि नेशनल फ्रेट इंडेक्स है यह पर टन का किलोमीटर के बेसिस पे कितना खर्चा आ रहा है वो मतलब शो करता है कि भाई 1 टन सामान को 1 किलोमीटर ले जाने में कितना खर्चा आ रहा है वो शो करता है लाइव। इसी के साथ ही दूसरा काम इसका क्या है कि यह एक तरह का एक जो रेफरेंस लेता है कि भाई जैसे मान लो कि इसने रेफरेंस ले लिया जनवरी मंथ को कि जनवरी में सामान को इधर से उधर ले जाने पे रोड रूट का खर्चा था वो था 100 रुपये पर टन था ये मान लो, तो अभी बताएगा है कि भाई जून के अंदर है वो 101 हो गया है, 110 हो गया है या फिर 90 हो गया है। तो मतलब एक तरीके से जो बेस मंथ है उसके रिलेटिव मोमेंट में हमें यह शो करेगा कि सामान की आवाजाही का खर्चा कितना है। तो ये कुछ फैक्ट हैं इसको लेके, नेशनल फ्रेट इंडेक्स को लेके। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF। तो थोड़ा हम पहले तो देखते हैं कंटेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। कंटेक्स्ट यह है कि सऊदी अरब जो कि एक पहली ऐसी अरब कंट्री है जिसको फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का सदस्य है वो घोषित किया गया है। तो थोड़ा हम देख लेते हैं FATF है क्या। देखो जो FATF है ना इसको G7 कंट्रीज ने बनाया है। G7 कंट्रीज कौन सी हैं, G7 कंट्री वो हैं जो वर्ल्ड की मोस्ट टॉप एडवांस इकोनॉमी है, मतलब वर्ल्ड की जो सबसे क्रीम क्लास की इकोनॉमी है ना उन कंट्रीज का ग्रुप है उसको कहा जाता है G7। पहले ये G8 के नाम से जाना जाता था, उस टाइम पे इसमें रसिया या रूस को शामिल किया गया था। बट हुआ क्या था, बाद में रसिया के ऊपर एक आरोप लगा था कि भाई रसिया ने क्रीमिया को हड़प लिया या क्रीमिया के ऊपर मतलब जानबूझ के कब्जा किया है, इसीलिए फिर G8 में से रसिया को निकाल दिया गया तो बचा G7। तो G7 में कौन सी कंट्रीज आती हैं, वर्ल्ड की टॉप मोस्ट एडवांस कंट्रीज जैसे USA हुआ, UK हुआ, फ्रांस हुआ, इस तरीके की जो कंट्रीज़ हैं वो इसमें आती हैं। जो FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है इसको 1989 में पेरिस में बनाया गया था और स्टार्टिंग में इसका मोटो ये था कि मनी लॉन्ड्रिंग को लेके कोई भी इश्यूज हैं उसको लेके है डील है वो करेगा। स्टार्टिंग का मोटो केवल सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग को लेके था, ये ध्यान रखना आपको। और अभी कंटेक्स्ट क्या था कि सऊदी अरब को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मेंबर है वो बना दिया गया है। वैसे सऊदी अरब को 2015 में ऑब्जर्वर स्टेट का दर्जा भी दिया गया था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का, बट अब इसे परमानेंट सदस्य बना दिया गया है। तो UPSC पूछ सकती है कि गल्फ कंट्रीज़ में से कौन सी कंट्री है वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के मेंबर बनी है, या फिर एशिया की कौन सी कंट्रीज़ वगैरह, इस तरह से कैसे क्वेश्चन भी पूछ सकती है। अब हम देखेंगे कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का है इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ पे है। इसका देखो जो सेक्रेटेरिएट है ना वो OECD का जो हेडक्वार्टर है वहीं पे इसका सेक्रेटेरिएट है। काम क्या है इसका, इसका काम ये है कि पॉलिसी मेकिंग को लेके हेल्प है वो करती है। इसी के साथ इसका एक काम और ऐड कर दिया गया है, वो क्या है, टेरर फंडिंग को लेके भी है डील है वो करती है। देखो पिछले साल न्यूज़ में था कि पाकिस्तान को टेरर फंडिंग की वजह से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है इसने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला था। अब है क्या,
जो ये FATF है ना, इसके द्वारा दो लिस्ट बनाई जाती हैं, एक तो है ब्लैक लिस्ट और एक होती है ग्रे लिस्ट। ग्रे लिस्ट में वो कंट्रीज डाली जाती हैं जो कि कहीं ना कहीं या तो मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर मतलब जिम्मेदार हैं या फिर टेरर फंडिंग को लेकर जिम्मेदार हैं, उन कंट्रीज को डाल दिया ग्रे लिस्ट में। ग्रे लिस्ट में डालने के बाद अगर वो कंट्री कोई भी स्टेप नहीं उठा रही है अपने आप को रिकवर करने में, तो फिर उनको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। तो रिसेंटली ग्रे लिस्ट में तो 7 कंट्री हैं और ब्लैक लिस्ट में हम बात करें तो 2 कंट्री हैं। कौन कौन सी? ब्लैक लिस्ट में एक तो है ईरान और एक है नॉर्थ कोरिया। तो ये कुछ फैक्ट हैं वो आपको याद रखने हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट जो है लास्ट आर्टिकल है वो हमारा, वो है रिमूवल ऑफ जजेस को लेके। कंटेक्स्ट क्या, पहले हम देखते हैं। कंटेक्स्ट ये है कि यूपी का जो कोर्ट है इलाहाबाद हाई कोर्ट, वहाँ के एक जज थे जिसका नाम था SN शुक्ला। उनके ऊपर आरोप लगे थे कि भाई वो सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, मतलब उनके तरफ से इनकेपेसिटी का बेसिस पे उन पर आरोप लगा था और इसी बेसिस पे उन पर इम्पीचमेंट का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट हुई थी। तो अभी रिसेंटली ये कंटेक्स्ट आया है कि जो हमारे हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के जज हैं CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कौन है अभी बताइए, बताइए जल्दी बताइए कौन है। वो है अभी रंजन गोगोई। तो रंजन गोगोई ने अभी ये कहा है कि हाँ भाई साहब इनकी प्रोसीजर है वो स्टार्ट कीजिए और प्रेसिडेंट के पास इनका भेजा कि भाई इनको एक तरीके से मतलब पद से हटाया जा सके, मतलब इनको दोषी पाया गया है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, ऐसा पहली बार हुआ है कि भाई इनको दोषी पाया गया है। देखो वैसे तो इससे पहले भी एक बार हुआ था, वो आपको ध्यान होना चाहिए, लक्ष्मीकांत में हमने पढ़ा होगा। खैर अभी मेरे को ध्यान नहीं कि कहाँ कहते, शायद आई थिंक वेस्ट बंगाल के एक जज थे जिनके ऊपर वैसे इम्पीचमेंट की प्रोसीजर स्टार्ट हुई थी, बट फाइनल होने से पहले ही उन्होंने अपने आप की एक तरीके से मतलब हटा दिया था या अपने आप को पद से मुक्त कर दिया था। तो अभी रिसेंटली ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन से जज के ऊपर आरोप लगा था और क्या अभी लेटेस्ट अपडेट है। अब इम्पोर्टेंट यहाँ पे हमारे लिए एक तो ये है कि भाई जो जज हैं इसका रिमूवल की प्रोसीजर क्या है, इम्पीचमेंट की प्रोसीजर क्या है। एक तो आर्टिकल आर्टिकल 124 के तहत जजों की इम्पीचमेंट है वो की जाती है। अब बात करें यहाँ पे हाई कोर्ट के जज की, भाई हाई कोर्ट के जज को हटाना है, यानी कि आर्टिकल 124 का जो चौथा पार्ट है इसके तहत इनको हटाया जाता है। इनके लिए एक प्रोसीजर है, प्रोसीजर में पहला स्टेप ये है कि अगर भाई किसी भी जज को हटाना है ना, तो उसके लिए पहले तो पार्लियामेंट के अंदर दोनों सदन में से, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, किसी में भी रिमूवल का मोशन लेके आना था, मतलब एक प्रस्ताव लेके आना होता है। उसके लिए कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि अगर लोकसभा में लेके आ जा रहा है तो कम से कम 100 सदस्य हैं वो प्रस्ताव लेके आए कि हाँ भाई साहब इस जज को लेके इम्पीचमेंट की प्रोसीजर स्टार्ट की जाए, या फिर राज्यसभा में लेके आ जा रहा है तो कम से कम 50 सदस्य साइन करके दें लेटर पे कि हाँ भाई साहब इस जज के खिलाफ है वो रिमूवल की प्रोसीजर स्टार्ट की जाए। ये दोनों कंडीशन में से कोई कहीं भी फुलफिल हो सकती है। मान लो कि अगर लोकसभा में लाया जा रहा है तो 100 सदस्य वाली हो जाएगी, राज्यसभा में लाया जा रहा है तो 50 सदस्य वो साइन कर देंगे तो उसके बाद आगे प्रोसीजर स्टार्ट की जाएगी। तो पहला काम क्या है कि मोशन लेके आ जाएगा, प्रस्ताव लाया जाएगा। सेकेंड स्टेप ये है कि भाई स्पीकर है, या जैसे लोकसभा में तो होगा स्पीकर, राज्यसभा में होगा चेयरमैन, तो वो डिसाइड करेगा कि इसको एक्सेप्ट किया जाए या नहीं किया जाए। अगर स्पीकर या चेयरमैन में से कोई भी, मतलब मान लो कि स्पीकर है उसने एक्सेप्ट कर लिया हो या फिर चेयरमैन ने एक्सेप्ट कर लिया हो, तो इसके बाद 3 सदस्यों की कमेटी बनाई जाएगी। अब देखो हाई कोर्ट का केस है तो ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, इसी के साथ हाई कोर्ट के जज हैं, उनको मिला के 3 सदस्यों की कमेटी बनेगी। वो कमेटी है वो छानबीन करेगी, जांच करेगी कि भाई ये सच में दोषी है या नहीं है। अगर वो कमेटी मानती है, पाती है कि भाई ये आदमी सच में ही दोषी है, जज है, इसके बाद में क्या होता है, जो दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा दोनों से स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा प्रस्ताव पारित करवाना होता है। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे एक, बड़े ध्यान से सुनना कि भाई वो स्पेशल मेजोरिटी की कंडीशन क्या है। स्पेशल मेजोरिटी में यहाँ 2 फैक्ट हैं। पहला तो यह है कि जितने भी, जैसे मान लो लोकसभा में है तो वहाँ के जितने भी सदस्य हैं उनकी मेजोरिटी, राज्यसभा है तो राज्यसभा के सदस्यों की मेजोरिटी। एग्जाम्पल लो कि लोकसभा में जैसे मान लो कि 500 सदस्य हैं तो उनकी मेजोरिटी कितनी हो जाएगी, 251। राज्यसभा में मान लो 200 हैं तो उनकी मेजोरिटी कितनी हो जाएगी, 101, यानी कि नॉर्मल मेजोरिटी। इसी के साथ एक मेजोरिटी और होती है, एक कंडीशन और होती है स्पेशल मेजोरिटी में, वो क्या है कि जितने भी सदस्य वहाँ पे प्रेजेंट है ना उनमें से 2/3 सदस्य, तो सॉरी जितने भी सदस्य मतलब से उसमें हैं लोकसभा राज्यसभा में दोनों में से किसी में भी, उसके 2/3 सदस्य तो एटलीस्ट कम से कम प्रेजेंट होने चाहिए और उन्हीं में से 2/3 है वो वोटिंग करने चाहिए। यानी कि प्रेजेंट और जो वोटिंग है 2/3 सदस्य उनमें से वोट करेंगे तभी इन दोनों कंडीशन को फुलफिल करने को वो कंडीशन होती है यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी। तो ये फैक्ट आपको UPSC पूछ सकती है कि भाई स्पीकर, सॉरी जो कोई भी पर्सन है जैसे कि मान लो जज को हटाना हो तो उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी की कंडीशन क्या है। पहली कंडीशन तो ये है कि जो नॉर्मल सदन की मेजोरिटी है वो, और दूसरी कंडीशन ये है कि प्रेजेंट और जो वोटिंग वाले हैं उसमें 2/3 की मेजोरिटी होनी चाहिए। अगर ये दोनों साइड से डन हो जाता है,
इसके बाद प्रेसिडेंट के हाथ में होती है कि भाई साहब वो उसको हटाए या नहीं हटाए। अगर प्रेसिडेंट बोलता है कि हाँ हटाना है, तो उसके लिए मतलब इम्पीचमेंट की प्रोसीजर स्टार्ट की जाती है, लेटर जारी किया जाता है और इसके बाद उस सदस्य को हटा दिया जाता है। ये होती है कंप्लीट हमारे देश में हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया। तो ये हमने कंप्लीट कवर की। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि भाई साहब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को अगर हटाना हो तो उसके लिए मतलब क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से कंडीशन में उसको हटाया जा सकता है। तो देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में साफ लिखा हुआ है कि दो कंडीशन के बेसिस पे ही हाई कोर्ट के जज को और सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सकते हैं। पहली है मिसबिहेवियर और दूसरा है इनकेपेसिटी। या तो वो अक्षमता के आधार पे हो या फिर उसमें मिसबिहेवियर किया हो, उन दो बेसिस के आधार पे उसको हटाया जा सकता है और किसी रीजन के बेसिस पे नहीं। लेकिन एक फैक्ट और इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, वो ये है कि जो मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी है ना, इन दोनों ही वर्ड को डिफाइन नहीं किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि भाई मिसबिहेवियर का मतलब क्या है और इनकेपेसिटी कौन से आधार पर डिफाइन की जाएगी। तो ये डिपेंड करता है जो 3 मेंबर की जो कमेटी है वो, और इसके साथ स्पीकर पर डिपेंड करता है कि भाई साहब वो इसको कैसे फॉर्म में लें। तो ये थी कंप्लीट न्यूज़ जिसे हमने यहाँ पे कवर किया है। तो देखो ये थी आज की हमारी डिस्कशन। तो फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही है। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको डिस्कशन कैसे लगी है। अगर इसी फॉर्म में हमें आगे कंटिन्यू रखनी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक है वो शेयर कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।